अरे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 के भाग 9 के अंतर्गत आंकिक प्रश्न संख्या 1 से 5 चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वसूली व्यय से संबंधित निम्न व्यवहारों का रोजनामचा बनाइए। सबसे पहले लिखा है वसूली व्यय की राशि 2500 रुपये, और वसूली व्यय अगर नगद चुकाया जाता है, हम प्रविष्टि करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर लिखा है वसूली व्यय की राशि 3000 रुपये का भुगतान अशोक द्वारा किया गया, यदि साझेदार द्वारा भुगतान है तो प्रविष्टि होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नगद है तो टू कैश या बैंक, साझेदार है तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। वसूली व्यय 2300 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर चुकाने के संदर्भ में कोई एंट्री प्रविष्टि नहीं दर्ज की जाती है। साझेदार अमित को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 4000 रुपये में नियुक्त किया, लेकिन वास्तविक जो वसूली व्यय है वो 3000 रुपये, तो यह भी प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले वसूली व्यय 2500 रुपये, रियलाइजेशन टू बैंक 2500, यह प्रविष्टि की जाएगी। अगर नगद भुगतान है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, नगद चुकाया जाए टू बैंक, और साझेदार चुकाया जाता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा, जैसा भी यहां कहा गया है। वसूली व्यय की राशि 3000 रुपए का भुगतान अशोक द्वारा, तो रियलाइजेशन टू अशोक कैपिटल अकाउंट कितनी राशि है, 3000 रुपए जो है इस प्रकार से दर्ज कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रविष्टि, वसूली व्यय 2300 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत रूप से, साझेदार द्वारा अगर फर्म के बाहर निजी रूप में व्यक्तिगत रूप में अगर वसूली व्यय का भुगतान किया जाए तो उसके संदर्भ में कोई एंट्री प्रविष्टि नहीं की जाएगी, जैसा कि नो एंट्री एज ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न पर्सनली बाई तरुण साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान, हम कोई एंट्री प्रविष्टि नहीं करते। और फोर्थ प्रविष्टि, साझेदार अमित को परिसंपत्ति की वसूली के लिए 4000 में नियुक्त किया, जबकि वास्तविक वसूली 3000 है, तो 3000 से करेंगे रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट, यह प्रश्न हमें बताता है कि वसूली व्यय के अंतर्गत रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। अगर नगद में है तो टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर साझेदार भुगतान करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन वही साझेदार व्यक्तिगत तौर पर भुगतान करता है, निजी रूप से भुगतान करता है, इस संबंध में कोई एंट्री प्रविष्टि दर्ज नहीं करना है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्न स्थिति में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दे। 85000 रुपए के लेनदारों ने 40000 रुपए रोकड़ और 83000 के विनियोग अपने दावे का पूर्ण भुगतान में स्वीकार किया। देखिए, दायित्वों के लिए अगर आप किसी प्रकार की संपत्ति देते हैं तो कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, यानी कि 43000 के विनियोग के लिए हम कोई लेखा नहीं करेंगे। लेकिन जो 85000 के अगेंस्ट जो 40000 रुपए रोकड़ में चुकाया जा रहा है, उसके लिए हम जरूर प्रविष्टि करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेनदार 16000 के हैं, 18000 रुपए मूल्य की मशीनरी को अपने दावे का भुगतान स्वीकार करते हैं, कोई प्रविष्टि नहीं दर्ज की जाएगी। लेनदारों को संपत्ति देते हैं, कोई एंट्री नहीं करते। अगर नगद में भुगतान है तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक किया जाएगा। लेनदार 90000 रुपए के हैं, वे 120000 रुपए के भवन और 30000 रुपए के रोकड़ को फर्म का भुगतान जो है वो स्वीकार करते हैं। यानी 90000 के लेनदार हैं, उन्होंने 120000 का भवन लिया, लेकिन क्या किया, 30000 रुपए जो है उसके अगेंस्ट में रोकड़ चुका दिया। यानी कि लेनदार जो 90000 के थे उसको 120000 का भवन दिया, तो 30000 का ज्यादा दिया, तो 30000 जो है वो नगद में प्राप्त कर लिया। यानी कि ये जो भवन दिया गया है इसके संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, लेकिन 90000 जो क्रॉस हो गया वहां तक तो ठीक है, जो 30000 रिटर्न मिल रहा है उसके लिए हम प्रविष्टि कर देंगे बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यह दर्ज हो जाएगी आपकी 30000।
विशेष ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखेंगे? लेनदार या दायित्व। का भुगतान नगद किए जाने पर अथवा साझेदार द्वारा लिए जाने पर ट्रविस्टी की जाएगी, परंतु भुगतान के बदले संपत्ति देने पर कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अगर हम नगद प्राप्त करते हैं, नगद भुगतान किया जाता है, तब तो प्रविष्टि करेंगे। लेकिन कोई लेनदार, कोई दायित्व ऐसा है जिसे भुगतान में हम संपत्ति दे रहे हैं, उसके संदर्भ में कोई एंट्री या प्रविष्टि नहीं करेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 पर हम बात करते हैं कि पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया, एक साझेदार नितिन द्वारा उसी को 3000 रुपये में लिया गया, यह मानते हुए कि फर्म का विघटन हो गया है, उपरोक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टि। क्या दिया गया है? एक पुराना कंप्यूटर जो पुस्तकों में अपलिखित कर दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया है, जीरो लिख दिया गया है, अब किसके द्वारा लिया गया है? नितिन द्वारा। तो क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली मूल्य पर जो है यह राशि दर्ज की जाएगी 3000, यानी कि 3000 रुपए। यह एंट्री या परमिस्टी जो है वो अपने को दर्ज करना है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, क्या कहता है? फर्म के विघटन पर निम्न व्यवहारों की क्या रोजनामचा परमिस्टी होगी? अभिलेखित की जाएगी, गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान। क्या प्रविष्टि करते हैं? चाहे अभिलेखित हो या गैर अभिलेखित हो, दायित्व का भुगतान किया जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इसी प्रकार संपत्ति से अगर वसूली होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। साझेदार रोहित द्वारा 7500 रुपए के स्टॉक को लेना, संपत्ति साझेदार द्वारा, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दबाजी नहीं करना, ऐसे नहीं कि स्टॉक को लिखे जा रहे हो, क्योंकि सभी संपत्तियां और दायित्व ऑलरेडी वसूली खाते में हस्तांतरित है, तो यहां प्रविष्टि पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन ना कि स्टॉक लिखे। वसूली पर लाभ की राशि 18000 है, को साझेदार आशीष और तरुण में 5:7 में विभाजित किया जाता है। तो क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष टू तरुण कैपिटल अकाउंट। आगे लिखा है गैर अभिलेखित परिसंपत्ति से 5500 रुपए की वसूली हुई है। तो जैसे दायित्व का भुगतान लिखा था रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, वैसे ही चाहे अभिलेखित हो या गैर अभिलेखित हो, संपत्ति से वसूली की प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाता है। आगे लिखा गया है 4 प्रविष्टियां हैं, चारों को जनरल प्रविष्टि में दर्ज करते हैं। गैर अभिलेखित दायित्व रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट कितना है? 3200 रुपए दर्ज कर देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा था? 7500 रुपए का स्टॉक जो है वो रोहित द्वारा लिया गया है, तो रोहित कैपिटल टू रियलाइजेशन 7500 रुपए जो है इस प्रकार दर्ज करेंगे। और आगे लिखा है 18000 को 5:7 में जो है साझेदारों में वितरित किया जाए। कितने अनुपात में? 5:7 में। तो कितना आ जाएगा? 5:7 = 12, यानी 5/12 और 7/12 जो है अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 5, 7500
और ये आ जाएगा आपका 10,500। इस प्रकार से जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण करने वाले हैं। जो भी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात होता है उसी में तो वितरित होता है। आगे लिखा गया है गैर अभिलेखित परिसंपत्ति से वसूली बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,500 रुपए जो है दर्ज करना है। ये इस प्रकार से जो है रिकॉर्ड या अभिलेखित जो है आपका किया जाएगा। आगे लिखा है प्रश्न संख्या 5, निम्न व्यवहारों की रोज नामचा प्रविष्टियां दीजिए, विभिन्न परिसंपत्तियों और दायित्वों से वसूली का अभिलेखन। तो सबसे पहले संपत्ति और दायित्व पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण होंगे वसूली खाते में। क्या प्रविष्टि करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कौन से मूल्य पर? बुक मूल्य, बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य पर। और अगर वसूली होती है संपत्ति से तो बैंक टू रियलाइजेशन वसूली मूल्य और दायित्वों का नगद भुगतान किए जाने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट यह प्रविष्टि दर्ज करेंगे। आगे क्या, फर्म के पास 1,60,000 का स्टॉक है, साझेदार अजीज द्वारा 50% स्टॉक को 20% की छूट पर लिया गया। 1,60,000 का 50% होता है 80,000 और 80,000 का 20% 16,000 घटाएंगे यानी 64,000 रुपए पर, जो किसके द्वारा लिया गया है? अजीज द्वारा। 1,60,000 का 50% हो गया 80,000, इसमें से हमें क्या करना है 20% यानी कि 16,000 लेस करना है, यह आ जाएगा आपका 64,000 यानी कि 64,000। शेष स्टॉक का विक्रय लागत मूल्य पर 30% लाभ पर, तो शेष कितना बचता है? 80,000 प्लस 30% 24,000 जोड़ देंगे, यह आ जाएगा आपका 1,04,000 पर जो है विक्रय हुआ बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। भूमि और भवन पुस्तक मूल्य 1,60,000 है, विक्रय 3,00,000 रुपए पर, तो बैंक टू रियलाइजेशन 3,00,000 रुपए और दलाल के द्वारा दिया गया जिसे सौदे पर 2% कमीशन लिया, तो 2% जो है 3,00,000 में से घटा देंगे क्योंकि टोटल 3,00,000 रुपए बेचा, इसमें से 2% 6,000 जो है वो कमीशन चुका है, तो 2,94,000 से एंट्री या प्रविष्टि लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 3,00,000 लेस 2% यानी 6,000 हमने कमीशन दे दिया, तो 2,94,000 जो है वह राशि जो है अपने वसूल की जानी है। संयंत्र और मशीनरी पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये के लेनदार को पुस्तक मूल्य से 10% कम के स्वीकृत मूल्यांकन पर दिए गए। देखिए, लेनदार कहते या दायित्व, के भुगतान में संपत्ति दी जाने पर कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, यानी इसके लिए हम कोई एंट्री या प्रविष्टि नहीं करेंगे। विनियोग जिसका मूल्य 4,000 था, 50% वसूल हुआ, तो 2,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन यह एंट्री या प्रविष्टि जो है हम दर्ज कर देंगे। सबसे पहले विभिन्न परिसंपत्तियों व दायित्वों से वसूली का अभिलेखन हम प्रविष्टि करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, बींग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन कौन से मूल्य पर? पुस्तक मूल्य पर जो है यह प्रविष्टि दर्ज करेंगे। इसी प्रकार दायित्व लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट कौन से मूल्य पर? पुस्तक मूल्य पर जो है यह एंट्री दर्ज करना है। अब संपत्तियों से जब भी वसूली हो तो बैंक टू रियलाइजेशन संपत्तियों से वसूली, वसूली मूल्य पर जो है यह प्रविष्टि दर्ज की जाए। और इसी प्रकार दायित्वों का भुगतान रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट, जितनी भी भुगतान राशि है उससे जो है प्रविष्टि एंट्री दर्ज करना है।
पहले हस्तांतरण पुस्तक मूल्य पर होगा, चाहे संपत्ति हो या दायित्व, और जो इनका भुगतान है वसूली मूल्य या पे की गई राशि लिखेंगे। लेकिन जो आपका कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, साजोर का पूंजी खाता, ऋण खाता, करंट अकाउंट, रिजर्व, पीएनएल, इन सभी के शेष जो है वसूली खाते में हस्तांतरण नहीं होंगे। चिट्ठे में दर्ज कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन, रिजर्व पीएनएल आदि शेष। वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं होते। बाकी जितने भी संपत्ति और दायित्व ट्रांसफर हो जाएंगे, ये शेष जो है हस्तांतरण नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत लिखा गया था, फर्म के पास 160,000 का स्टॉक है और साझेदार अजीज द्वारा 50% स्टॉक को 20% कम पर। तो 160,000 का 50% होता है 80,000, 20% यानी 16,000 कम पर, यानी 64,000 पर अजीज द्वारा लिया गया और साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000 जो है हम दर्ज कर लेंगे अजीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये आपका 64,000 रुपए। बीइंग अजीज ए पार्टनर टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक 160। तो 160 का 50% हो गया 80,000, 20% घटाएंगे 64,000 पर लिखेंगे। और शेष के बारे में क्या कहा है, शेष स्टॉक विक्रय लागत का 30% लाभ पर। तो 160 में से 50% 80,000 का तो अजीज ने ले लिया, बाकी 50% यानी 80,000 का 30% तो 24,000 लाभ जोड़ते हुए 104,000 में जो है नगद बेचा गया बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 104,000। स्टॉक वर्थ ₹80 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, इसका 30% जोड़ करके लिख देंगे। अगला पॉइंट लिखा है, भूमि व भवन पुस्तक मूल्य 160,000 लेकिन विक्रय कितने पर है 3,00,000। तो 3,00,000 पर प्रविष्टि करनी चाहिए, एक दलाल के द्वारा किया जिसने सौदे पर 2% कमीशन, यानी कि 3,00,000 भी पूरा नहीं मिला, 2% जो है उस पर कमीशन चुकाना पड़ा, यानी 2,94,000 में जो है वो दलाल द्वारा बेचा गया। तो बैंक टू रियलाइजेशन 294। कैसे आया 294 एक बार वापस देखिए, देखिए यहां पर भूमि भवन पुस्तक मूल्य 160,000 लेकिन हम लेते हैं वसूली मूल्य जो कि है 3,00,000, लेकिन 2%, 3,00,000 का 2% होता है 6,000 कमीशन दिया, यानी राशि कितनी प्राप्त हुई, यह प्राप्त होती है 294,000 रुपए। अगला पॉइंट लिखा गया है, संयंत्र व मशीनरी पुस्तक मूल्य 60,000 एक लेनदार को पुस्तक मूल्य से 10% कम के स्वीकृत मूल्यांकन पर दिया गया। तो किसी भी प्रकार का दायित्व लायबिलिटीज लेनदारों को जो भुगतान के बदले में अगर आप संपत्ति दे देते हैं, कोई असेट्स दे देते हैं, तो कोई एंट्री या प्रविष्टि जो है वो दर्ज नहीं करेंगे। तो यहां आ जाएगा नो एंट्री, कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं करेंगे। बींग प्लांट एंड मशीनरी ₹60,000 हैंडेड ओवर क्रेडिटर्स 8 डिस्काउंट ऑफ 10%, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड एज बोथ द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर
ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. देखिए नगद वसूल होता है तो बैंक टू रियलाइजेशन, भुगतान होता है तो रियलाइजेशन टू बैंक. लेकिन संपत्ति के बदले में दायित्व, दायित्व के बदले में संपत्ति, तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन थोड़ी होगा, कोई एंट्री प्रविष्टि नहीं दर्ज की जाएगी. और लास्ट पॉइंट जो इस प्रश्न का लिखा गया है वह है विनियोग जिसका मूल्य 4000 रुपए था, 50% वसूल हुआ तो संपत्ति से वसूली, बैंक टू रियलाइजेशन कितना, 4000 का 50% यानी कि 2000 रुपए जो है यहां पर हम दर्ज कर देंगे. ये इस प्रकार से जो है यहां पर लिखा जाएगा. तो फर्म के विघटन, फर्म के समापन पर फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.